हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम लिटिल बिट रिव्यू देखेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस थ्रू डिस्क्रिप्शन अप्रोच बुक है ये पीएस कलसी की, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। वैसे हमने देखी थी पीएस कलसी की स्टीरियो भी रिव्यू डिस्कस किया था, स्टीरियो भी काफ़ी अच्छी बुक है पीएस कलसी की एंड डिस्कनेक्शन अप्रोच आल्सो। वैसे डिस्कनेक्शन अप्रोच आपके एमएससी के सिलेबस का पार्ट होता है, बीएससी में तो इतना नहीं आता डिस्कनेक्शन का, ये न्यू होता है। इसमें सारी एप्लीकेशन, जब जितनी भी केमिस्ट्री आपने पढ़ी है ना वो सारी यूज होती है इसमें, कि आपको मैकेनिज्म्स, केमिकल रिएक्शंस, फंक्शनल ग्रुप का रिएक्टिविटी ऑर्डर, ओल जितने भी सारे कंसेप्ट चेक करते हैं आपका। तो देखो इसमें चैप्टर फर्स्ट है आपका, ये ऐड कर रखे हैं मोर मटेरियल हैज बीन, ये 1-2 आपका डाइफंक्शनलाइजिंग, 1-3 है। देन सबसे पहले तो ये बता रखा है कि डिस्कनेक्शन अप्रोच है क्या, क्यों हमें नीड बनती है, उनका बेसिक, ये बेसिक नॉलेज दे रखी है कि चैप्टर रेटोसिंथेसिस में क्या क्या कंपाउंड्स लेने हैं। नेमिंग नहीं होती ना वैसे, ये इंट्रो दे रखा है आपका। देन आपका पहले बताएंगे कि प्रोटेक्शन ग्रुप क्या होते हैं, सिंथेसिस, क्योंकि देखो डिस्कनेक्शन का पॉजिटिव, वैसे डिस्कनेक्शन को शो करने के लिए हम ये जो एरो है ना इसका यूज़ करते हैं। डिस्कनेक्शन में पता क्या होता है कि जनरली हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, बट रेट्रोसिंथेसिस या डिस्कनेक्शन में हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट मोलिक्यूल लेके आने होते हैं उसके, कि क्या है उसके स्टार्टिंग मटेरियल, तो प्रोडक्ट मिलता है उससे आपको स्टार्टिंग मटेरियल लेके आने होते हैं। इस एरो से हम इसको आप डिस्कनेक्ट करवाते हो, उसमें इंटर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन भी करवाते हो, डाइफंक्शनलाइजेशन भी करवाते हो, कोई ग्रुप का एडिशन भी करते हो, तो डिफरेंट टाइप की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप ऑफ करते हैं, वो हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ रिव्यू बता रहे हैं कि क्या क्या इंक्लूड है इस बुक में, ठीक है। वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है क्योंकि सारी एप्लीकेशंस इसमें यूज़ होती हैं, सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाते हैं जब डिस्कनेक्शन के आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है। और ये देखो प्रोटेक्शन वाला, जैसे हमने अमीनो ग्रुप में किया था ना, अमीन ग्रुप हम डिस्कस कर रहे थे सिलेबस बीएससी का, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन ग्रुप की नॉलेज दे रखी। जैसे अल्कोहल के लिए आपने देखा होगा कीटोन के लिए हम डायोल की प्रोटेक्शन करते हैं, तो ये देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे कीटोन ने डायोल ने प्रोटेक्शन किया था, साथ रिएक्शन लास्ट में हमने यही प्रोडक्ट फील्ड मिल गया अल्कोहल, तो हम इसके लिए डायल्स यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन ग्रुप। अमीनो ग्रुप के लिए जैसे बोक है और अलग अलग हैं वो करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से इसमें कवर कर रखा है ये ऑल थिंग्स, आप देख सकते हो इसका रिव्यू। पीएस कलसी भी काफ़ी अच्छी है वैसे, पीएस जो स्टीरियो है ना पीएस कलसी, उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री काफ़ी अच्छे से दे रखी है। किसी को डिटेल से पढ़ना हो तो आप स्टीरियो के लिए पीएस कलसी की बुक को प्रीफर कर सकते हो, एंड डिस्कनेक्शन के लिए तो अलग है स्टोर्ट वारन है, वीले वाली बुक है, या जग जगदम्बा सिंह की भी बुक है, पीएस कलसी भी है, ये सारी बुक्स ही अच्छी हैं आपके डिस्कनेक्शन के लिए। तो ये होल थिंग्स इसमें काफ़ी अच्छे से पहले दे रखा है, देन एग्जांपल प्रॉब्लम और नेक्स्ट उसका सॉल्यूशंस भी दे रखा है। ये सेंथेसिस है, कुछ रिव्यूज वगैरह हैं, तो ये है आपका इसका राइटर अबाउट पीएस कलसी, आपका पंजाब जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर से है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो आई होप आपको बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा, कि इसका प्राइस है 425। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।